अस्सलामुअलैकुम। मैंने भी ये वीडियो भी देखी है यार। देखिए, बात ये है, पॉइंट सिर्फ ये है कि ये बच्ची उनकी उनकी हिरासत में है। वो इसे जो बोलेंगे वो बोलेगी। मेरा पहले दिन से यही पॉइंट है। अगर आप कल की वीडियो देखें जो आप ही के गालिबन चैनल पे आई थी, उसमें वकील साहब ने जो वर्ड्स यूज़ किए थे, ये इस वीडियो में उन्हीं वर्ड्स को काउंटर किया गया है। तो ये काउंटर स्ट्रेटजी है उस गैंग की तरफ से जिन्होंने इनको डिटेन करके रखा हुआ है। उसमें गैर आइनी गैर शरई का लफ्ज़ यूज़ हुआ था और ये एग्जैक्टली सेम वर्ड यूज़ हुए हैं कि ये आइनी भी है शरई भी। और इतनी सी बच्ची को आइन और शरीयत, चले आइन का इतनी सी बच्ची को कैसे पता होगा? आप सब लोगों को पता है कि आइन में शादी की एज क्या है। तो ये सब गलत है। सेकेंडली, जो लेटर की बात कर रही है वो झूठ है। उसे जो बोला जा रहा है वो बोल रही है। तो इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है इन वीडियो पैगाम की। वो जो उसे बोलेंगे वो उसी तरह से बोलेगी। अगर ये बात ऐसी बात सच होती तो ये पहले दिन पहली वीडियो में ही ऐसी चीज़ें सामने आती। यहाँ पे मेरे घर में जब से ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने अपनी पूरी तलाशियाँ भी ली, बच्चों की बैग्स, हमारा घर की पूरी चीज़ें चेक हुई। ऐसी कोई सिचुएशन होती, अगर बाईगार्ड ऐसी सिचुएशन होती, मैं खुद अपनी बच्ची की तमाम चीज़ें, मैंने तो फ़ोन तक प्रोवाइड किए CPLC और एवरीथिंग एवरी एजेंसी को। तो ये बिल्कुल एक पैथेटिक किस्म का लाए है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो बच्ची को बोलेंगे वो बोल देगी। और अगर ये जितना डिले होगा इसकी इस किस्म की वीडियोज़ वो और भी बना लेंगे। तो बयानात की वैल्यू उसी में होगी। देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में अगर इन्हें बुलाया गया तो इन्हें आना पड़ेगा। ऐसे बयानात अगर इन्होंने देने हैं तो वहाँ आकर दें। ये आउट ऑफ द कोर्ट इन बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। इन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।